वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन फॉर लर्नर्स। सो टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट जो भी राइटिंग के चेंजेस चल रहे हैं आज का ये सिनेरियो। बहुत ही ज़्यादा मैसेजेस हैं व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम ओपन कर लो तो बहुत से मैसेजेस हैं, तभी मैंने सोचा ये आपके लिए वीडियो बनाऊँ। कल भी वीडियो अपलोड की थी, ये भी वीडियो आपको जल्दी मैं अपलोड कर दूँगा यूट्यूब पे, ठीक है। तो मैं आप सभी को ये कहना चाहता हूँ भी अगर राइटिंग में चेंजेस आए हैं तो वो आपकी वजह से कुछ हुआ है, ठीक है। बिकॉज सभी बच्चे क्या करते थे, कोई भी, चलो बच्चों को इसमें कोई वो नहीं है, इंस्टीट्यूशन सभी अच्छे होते हैं, कोई भी बुरा नहीं होता, लेकिन उनको ये होना पता होना चाहिए भी सबको टेम्पलेट उसके अकॉर्डिंग देना चाहिए, ठीक है। टेम्पलेट आप सभी को एक टेम्पलेट देते हो, वो जाके आप एग्ज़ाम में लिखते हो, ठीक है, आपके ऐसे स्कोर बिल्कुल भी नहीं आएंगे। कोई भी टेम्पलेट है आप जाते हो सीधा वहाँ पर लिख के आ जाते, तो वो आपको स्कोर कैसे देगा, ठीक है, वो आपको स्कोर बिल्कुल नहीं देगा। जस्ट हैव टू पे अटेंशन ऑन दैट भी आपके जो राइटिंग के एडवांटेज डिसएडवांटेज ऊपर आया है तो उसके अकॉर्डिंग ही आप लिखो, और अगर वो ऐसे आया है हमारा एडवांटेज डिसएडवांटेज के ऊपर उसके अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा, वो टेम्पलेट भी उसके अकॉर्डिंग होगा, कंक्लूजन इंट्रोडक्शन जो BP1 BP2 है उसके अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। आज ही मैं देखने को देखता था भी किसी की 44 स्टूडेंट्स के आए हैं, उसका रिजल्ट उसने शेयर किया मेरे साथ भी, सर मेरे एग्जाम में 44 मार्क्स आए गए, तो मेरी क्या प्रॉब्लम है, आप मुझे कोचिंग दीजिए और मुझे बताइए भी मैं क्या क्या कर सकता हूँ इसमें। बिकॉज आपका इसमें क्या, मैं स्टूडेंट को कोई कसूर नहीं मानूंगा इसमें भी, उसने कोई प्रॉब्लम की है, ठीक है, तो उसकी कोई दिक्कत उसकी वजह से हुई एग्जाम में, लेकिन उसके जो टेम्पलेट्स हैं अगर वो वर्क नहीं करेंगे तो उसके मार्क्स नहीं आएंगे। जस्ट हैव टू, अगर आपका रोट लर्निंग करोगे तो PT में रोट लर्निंग तो राइट नाउ चल नहीं रही है, सो स्मार्ट वर्क चाहिए। अगर आपको ऐसे आए एडवांटेज डिसएडवांटेज के ऊपर, अब मैं एक ऐसे लिख रहा था, भी देखो, इंग्लिश कैन बी लर्न बाय ओनली बाय द स्टैंडिंग इन एन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री टू डिसएग्री, ठीक है, अपने ओपिनियन बेस पे हम इसको बना सकते हैं, ठीक है, भी अपना ओपिनियन दे सकते हैं, एग्री डिसएग्री के बारे में बता सकते हैं, भी एवरीबडी मस्ट ट्राई टू एक्सेल इन इंग्लिश, ऐसे पर लाइनिंग स्टार्ट कर, भी थोड़ा बहुत खुद में लिख रहा था इसके बारे में भी, कैसे कैसे हम स्टूडेंट्स को लाइन दे सकते हैं, भी कैसे कैसे हम लिख सकते हैं, तो स्टूडेंट कैसे लिखेगा और उसके मार्क्स इसके अकॉर्डिंग आएंगे, और कंट्रीब्यूशन कौन सा राइटिंग में है, रीडिंग को बढ़िया करने पड़ेगा आपको राइटिंग मार्क्स लेने के लिए, स्पोकन टेक्स्ट बढ़िया करने पड़ेगा आपको, आफ्टर दैट राइट फॉर्म डिक्टेशन है जो हमारे राइटिंग मार्क्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारा रीडिंग का, जो राइटिंग का फर्स्ट पार्ट है SWT, इसको आप बढ़िया से करो, ठीक है, और उसके बाद है हमारा रीडिंग। रीडिंग में आपका पूरा पूरा ध्यान चाहिए, रीडिंग एंड राइटिंग ब्लैंक्स है ना, जो रीडिंग एंड राइटिंग ब्लैंक्स, रीडिंग राइटिंग ब्लैंक्स है, उसके बाद है हमारा राइट फॉर्म डिक्टेशन, ठीक है, एंड आफ्टर दैट राइट फॉर्म डिक्टेशन हो गई, और उसके बाद स्पोकन टेक्स्ट है हमारे पास जो उसमें मार्क्स देता है, लिसनिंग का फर्स्ट पार्ट है ये, तो आप इन सभी को बढ़िया से तैयार कर लो, आपको राइटिंग मार्क्स दें, ठीक है, SWT हो जाएगा, अदर पार्ट्स जैसे ये हैं 1 2 3, इनकी आप प्रॉपर वे प्रैक्टिस करोगे डेफिनेटली गुड मार्क्स आएंगे, आपको कोई नहीं रोक सकता भी आपके मार्क्स नहीं आएंगे, ठीक है, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क लेके आओ अपने आप में थोड़ा सा, अगर आप वही करोगे काम आपने वही करना है, कोई भी टेम्पलेट है दे दिया लिख दिया एग्जाम में, ऐसे नहीं होगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होगा एग्जाम में, जस्ट हैव टू पे अटेंशन, ठीक है। तो मतलब तभी ये वीडियो बना रहा सभी के लिए भी, आप अगर अपना टेम्पलेट कैसा है उसको भी अगर एग्जाम बुकिंग कर दी है तभी उसको दिखा के प्रॉपर वे में उसको चेक करके, या उसकी खुद आप मुझको सेंड करो, मैं देख लेता हूँ आपका टेम्पलेट कैसा है, ठीक है, व्हाट्सएप पे नंबर दूंगा अपना मैं, आप मुझे सभी सेंड कर दो धन में, लेकिन उसका रिवर्ट आपको थोड़े टाइम बाद मिलेगा, बहुत से मैसेज पेंडिंग अभी भी, ठीक है, उसने ग्रामर रूल्स बाय करने हैं, क्योंकि कल की वीडियो से मैसेज बहुत आ रहे थे, किसी को ऐसे टेम्पलेट चाहिए, किसी को फिल इन द ब्लैंक्स चाहिए, ठीक है, सो इन सभी के ऊपर आप ध्यान देना, तो अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, कोई भी जरूरत ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस की जरूरत है तो मुझे कॉल करना, डायरेक्टली कॉल करना, ठीक है, तो मिलते हैं बाय बाय नेक्स्ट वीडियो में। राइटिंग में थोड़ा ध्यान रखो, टेम्पलेट है सीधी सीधी लाइनें हैं वो काम नहीं करेगा, ठीक है, उसके मार्क्स नहीं आएंगे, ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।